एक नेता जो अपनी तेज तर्रार छवि के लाने जाने जात, एक नेता जो हजारों बहनों के भाई के तौर पे अपनी पहचान बना चुके, विरोधी जी को दबंग कर और अपने जीन को दद्दा कर, ऐसे दीप नारायण सिंह यादव अब पहुंच गए हैं सलाखों के पीछे। और इसके संग ही दीप नारायण यादव की पिछले 3 दशक की पूरी राजनीति एक बार फिर से नए मोड़ पे है। काय के उत्तर प्रदेश के झांसी जिला से दीप नारायण सिंह यादव को नाम पूरे प्रदेश में हमेशा सुर्खियों में रख तो अब लेखराज यादव नाम के अपराधी को छुड़ावे की साजिश के आरोप में गिरफ्तार भए हैं दीप नारायण सिंह यादव। लेकिन उनको और उनके समर्थकों को कहबो है कि उनको गलत तरीके से फंसा गया है। अब ये मामले में सही और गलत को फैसला तो न्यायालय करे, लेकिन दीप नारायण यादव को अबे तक को राजनीतिक सफर कोनू फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 21 जुलाई 1969 को मोठ ब्लॉक के ग्राम बुड़ावली में जन्मे दीप नारायण सिंह यादव मात्र 17 साल की उम्र में सबसे पहले छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद 1991 में बुंदेलखंड महाविद्यालय झांसी में छात्र संघ अध्यक्ष निर्वाचित भए और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को आमंत्रित करके शपथ ग्रहण करी। इसके बाद मुलायम सिंह यादव इनसे प्रभावित भए 1991-92 में जे समाजवादी युवजन सभा के जिला अध्यक्ष बन गए। 1993 से 1996 तक जिला सहकारी बैंक झांसी के अध्यक्ष रहे और 1996 में फिर से जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने। 1998 में लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष बने और 1998 में ही निवाड़ी विधानसभा मध्य प्रदेश से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बने, हालांकि वे चुनाव हार गए। इसके बाद साल 2000 में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष बनाए गए दीप नारायण सिंह यादव और 2002 में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव बनाए गए और फिर 2003 में समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। 2007 में वे चुनाव लड़े गरौठा विधानसभा से और इस चुनाव में उनको जीत हासिल भई और 2008 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पे इनकी पत्नी मीरा यादव निवाड़ी विधानसभा से चुनाव जीत गईं। इसके बाद मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने दीप नारायण यादव को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी और वे 2009 में मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए। हालांकि मध्य प्रदेश में भी लंबे समय तक काम नहीं कर पाए और यही वजह से फिर से उत्तर प्रदेश लौटे और 2012 में एक बार फिर से गरौठा विधानसभा से चुनाव जीते। समाजवादी पार्टी की जब जब सरकारें रहीं तब तब दीप नारायण यादव की तूती बुलक थी पूरे के पूरे बुंदेलखंड में और यही वजह से इनको एक धाकड़ नेता माने जाते। तो हालांकि यही दबंग छवि को तोड़वे के लाने 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने किसान नेता जवाहर सिंह राजपूत को टिकट दे दी और वे अपनी सरल छवि और दीप नारायण यादव की दबंग छवि के बीच को अंतर बता के जनता के बीच चुनाव जीतने में कामयाब भए। 2022 में भी दीप नारायण सिंह यादव चुनाव हारे, लेकिन इतनी से लगन लगे तो कि दीप नारायण यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और अब दीप नारायण यादव की गिरफ्तारी हो गई है एक बड़ी साजिश के आरोप में। पिछले लगभग 30 साल से सक्रिय राजनीति में रहे हैं दीप नारायण यादव और पहली बार बड़ी मुश्किलों में घिरे हैं। काय के उनके खिलाफ न केवल जो नव मुकदमा है बल्कि पुराने मुकदमों की फाइल भी खुलवे की बात करी जा रही है। कन्नौज जेल से पुलिस अभिरक्षा में एक दुर्दांत अपराधी / सजायाफ्ता अपराधी लाया गया था जिसका नाम है लेखराज यादव। उसकी पेशी थी, उस पर विभिन्न थानों पर 47 मुकदमे दर्ज है। यह कचहरी परिसर में आया, वहाँ 60-70 लोगों ने पुलिस कर्मियों को घेर लिया और वहाँ पर उसको छुड़ाने की कोशिश करी। इसके बाद रास्ते में जब ये वापस जा रहा था लेखराज, तब एक गाड़ी UP 93 BR 1100 नंबर सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो में बैठे लोगों ने इस पुलिस की गाड़ी को अवरुद्ध किया, उसका मार्ग रोकने का प्रयास किया, कई बार आगे और पीछे इस गाड़ी को किया और साथ ही इसको छुड़ाने का प्रयास किया। इसमें पुलिसकर्मियों को डराया और धमकाया जो अभिरक्षा में अभियुक्त को लेकर आ रहे थे।
इस सजायाफ्ता अपराधी को छुड़ाने की इन अपराधियों द्वारा जो यूपी 93 BR 1100 गाड़ी में बैठे थे पूरी कोशिश की, हर तरह से कोशिश करी। कन्नौज पुलिस ने जैसे तैसे थाना मोठ, पहले थाना मोठ जनपद झांसी में और उसके बाद थाना 8 जालौन में अपनी जो बंदीवान था उसको ले जा करके बड़ी ही होशियारी से बंदी सहित वहाँ पर बंदी की सुरक्षा सुनिश्चित करी और बंदी को भागने से बचाया। इस संबंध में अब तक झांसी पुलिस द्वारा कुल 11 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इन अभियुक्तों में लंबा इनका आपराधिक इतिहास है और इस घटना में जितने भी अपराधी शामिल हैं वो कोई भी क्यों ना हो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण में साजिश में आज दीपनारायण यादव को हिरासत में लिया गया है। इनका भी लंबा आपराधिक इतिहास है, अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इस घटना में प्रयुक्त गाड़ी यूपी 93 BR 1100 अनिल यादव की है और यह गिरफ्तार हो चुका है। अनिल यादव दीपनारायण यादव के साले का साला है जिसने पुलिस की गाड़ी का पीछा किया और मौके पर रह करके इस घटना को कारित किया। इसमें जितने भी अभियुक्त हैं सब जेल भेजे जाएंगे और उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दीप नारायण यादव की साजिश थी कि लेखराज यादव जो दुर्दांत अपराधी है उसको पुलिस अभिरक्षा से छुड़ा लिया जाए। दीप नारायण का तो कहना है कि 20 साल से उनसे कोई संबंध ही नहीं है। दीप नारायण का खुद का आप जानते हैं कि लंबा आपराधिक इतिहास है जिनके विरुद्ध विभिन्न जनपद के विभिन्न थानों में कई सालों से 40 से ऊपर अभियोग दर्ज है और अभियोग दर्ज है और इसमें पुलिस को आई विटनेस मिले हैं, CCTV सर्वलांस की साक्ष्य है हमारे पास, सर्वलांस के साक्ष्य और CCTV के साक्ष्य है हमारे पास इस घटना को कारित करते हुए और हमारी पुलिस की गाड़ी को रोकते हुए और पुलिस की गाड़ी को अवरुद्ध करते हुए हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य है इसके और सर्वलांस के माध्यम से भी अभियुक्तों से दीप नारायण की बात होना प्रमाणित है। हाँ, दीपनारायण यादव उसमें वांछित है, उसमें जेल जा रहे हैं। हालांकि दीपनारायण यादव को कहो है कि उनको निर्दोष फंसाओ जा रहा है गरोठा के विधायक जवाहर सिंह राजपूत के केबी पे। मैं तो आपको कहता हूँ कम से कम एक बार आपके न्याय कर लो। मैंने जवाहर जी से पहले भी कहा, बिना कारण इस घटना को बड़ा खड़ा क्योंकि से जुड़े हैं। मेरे 10 साल से शादी से रिश्ते नहीं, मेरी पत्नी के खिलाफ चुनाव में वो फतवा जारी कर रहा था, मेरी दुआ सलाम नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ इतनी बार तारीखों से बरसों से आ रहा, कभी किसी से देखा मेरे मिलते हुए भी, उससे देखा किसी ने कभी बात करते हुए? आप झूठी घटना बनाकर सियासत में वक्त के बहुत मायने हैं और जो वक्त कौ के संगे 100 रतनियां, सो जिन दीपनारायण यादव की आंखों से ही उनके विरोधी डरा जाते वे दीपनारायण यादव पहुंच गए हैं सलाखों के पीछे। एकलव्य यूनिवर्सिटी द मूव विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज taught in 12 डिफरेंट schools, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।